الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना जमान और मेरे चैनल पर आप सबका खुश आमदीद। मेरी तरफ से आप सबको हज की बहुत सारी मुबारकें हों। अल्लाह ताला जो लोग हज पे गए हैं उनका हज कबूल फरमाए और हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए। ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पर हैं और बहुत गर्मी है यार, घबराहट भी हो रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है चल रहा है मामला। तो जो है ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रख ली थी, काफ़ी सारे प्याज ख़राब हो रहे थे तो मैंने उनको भी काट के रख लिया और उनको फ्राई करके रख लिया कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी और आसानी हो जाएगी। अदरक और लहसुन को इसी तरह ग्राइंड करके पॉलीथिन बैग्स में मैं डाल देती हूँ, ज़िपलॉक बैग्स में, और जब ये हल्के से फ्रीज़ हो जाते हैं तो छुरी के साथ ही इसमें थोड़े थोड़े मैं बार्स बना लेती हूँ, और जब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर उनको मैं आसानी से अलहदा करके इस्तेमाल कर सकती हूँ। 1 किलो लहसुन और अदरक से मेरे तकरीबन जो है आसानी से 2 महीने गुजर जाते हैं। आप शेयर करें आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी रहीं और ईद के मेन्यू में आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है। ये सारा काम करने के दौरान मैंने तो अपने मोबाइल पर तकबीरात प्ले कर ली थी, साथ में सुन भी रही थी और पढ़ भी रही थी, तो आराम से काम मेरा हो गया। और ये हुड लगने वाला बाकी रह गया था तो वो लोग आए और उन लोगों ने बाकी जो फ्रंट हुड का पोर्शन है उसको फिक्स किया, लेकिन अभी उसमें मुझे थोड़े से मसले लग रहे हैं, उस तरह की सक्शन नहीं रही हुड लगाने के बाद। तो ईद के बाद अब इसको जो है वो मैं चेक करवाऊंगी दोबारा। खदीजा को फेक नेल्स चाहिए थे और एक नेल पेंट चाहिए था, तो मैंने उसको कहा कि जो भी अब तुम्हारा सामान बाकी रह गया है वो तुम आज ले लो, अरफात के दिन जब मैंने रोज़ा रखना है तो मैं कोई काम नहीं करूँगी और उस दिन मैंने घर से बाहर नहीं निकलना। तो लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए हम बाहर आए और फिर बच्चों ने स्लश लिए रस्ते में से। मोहम्मद और उस्मान की शलवार कमीज़ भी बाकी रह गई थी, तो फिर जे डॉट हम गए और वहाँ से उस्मान की शलवार कमीज तो मिल गई, मोहम्मद के लिए हमें ज़रा घूमना पड़ा। जानवरों के साथ बच्चों की खुशी देख के भी बड़ा मज़ा आता है। ईडन रोब डाइनर्स चेक करने के बाद हम आए बोनांजा सतरंगी और यहाँ पे मोहम्मद ट्राई करें एक शलवार कमीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उसको एक शलवार कमीज़ पसंद आ गई और हमने वो ले ली और हम निकले घर को। और ये हमारे घर की बैक साइड पर माशाल्लाह माशाल्लाह किसी घर के बाहर इतने ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने बकरे लिए हुए हैं कि उन्होंने अपनी ही मंडी बनाई हुई थी। अब्बू की डेली रूटीन है अम्मी को बाहर ज़रूर लेके जाते हैं, और अब तो अम्मी का ज़्यादा दिल करता है कि वो बाहर जाएं, क्योंकि वो बिस्तर पे लेट लेट के तंग आ जाती हैं और वो मुझे कहने लगी कि आप भी मेरे साथ हो, तो हम लोग चले गए बाहर। अम्मी को नया शौक आया गजरे लेने का, तो वो खदीजा के लिए भी लेके आती हैं और ये मिस कर दिया था हमने सिग्नल पे से, तो अबू दोबारा से टर्न लेके आई ये गजरे स्पेशली लेने के लिए। आप ले लेना फूल सुलेमान। फूल क्या है? फूल ये क्या है? फूल क्या है? और ये हैं जी हमारे बकरे माशाल्लाह, ये अबू के वर्कर के घर होते हैं और वो कुर्बानी करवा के हमें गोश्त ला देता है, क्योंकि 2-3 सालों से अबू में इस तरह से हिम्मत नहीं है कि वो ये सारा काम घर पे करवाएं। और घर के पंखे शंखे साफ़ हुए, पर्दे वगैरह धुल के लगे, बेडशीट्स चेंज हुई, और ये थी हमारी ईद के लिए प्रिपरेशंस। सहरी मैंने की थी अपनी सालगिरह का केक खा के आम के साथ, और इफ्तारी में भी मैंने आम ही लिए। नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ बर्थडे और ईद की डिटेल्स शेयर की जाएंगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।